छठ पूजा में क्या होता है, भगवान सूर्य की उपासना होती है, भगवान सूर्य की पूजा होती है। बिहार में और यूपी में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, भारत के कुछ हिस्सों में बहुत अच्छे से ये मनाया जाता है। ये पूजा है भगवान सूर्य की, संतान सुखी रहे, संतान हो, इसके लिए छठ पर्व मनाया जाता है। परिवार बढ़े, संतान सुखी रहे, बच्चों पर कभी कोई संकट ना आए, बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, बच्चों की सब प्रकार से सुरक्षा के लिए छठी मैया का उपवास और पूजा होती है, भगवान सूर्य की आराधना होती है कि बच्चे बुद्धिमान हों। इसके बाद आएगा अष्टमी, तो अष्टमी क्या होगी, ये इसी को कहते हैं गोपाष्टमी। कौन सी अष्टमी है ये, छठी के बाद क्या आएगी, गोपाष्टमी। और गोपाष्टमी का मतलब है आज के दिन, मतलब गोपाष्टमी के दिन भगवान क्या किए थे, गैया चराना शुरू किए थे, इसलिए गोपाष्टमी में इस कार्तिक में भगवान ने गाय चराना स्टार्ट किया, इसलिए गोपाष्टमी और इस कार्तिक के माह में गौदान की भी बड़ी महिमा है। गोपाष्टमी में गाय को चारा, गाय की सेवा, गाय को पूजा, भगवान सब प्रकार से गाय की सेवा करते हैं, आप भी करिए। और गोपाष्टमी के बाद क्या आएगा, नवमी। कौन सी नवमी बोलो, हाँ हाँ हाँ, अक्षय नवमी बोलते हैं, आंवला नवमी भी कहते हैं। कौन सी नवमी, इस आंवला नवमी के दिन कहते हैं कि आंवले के पेड़ पर ही भगवान श्रीमन्नारायण का वास होता है आंवला नवमी के दिन। जैसे रविवार को, एकादशी को तुलसी पर भगवान नारायण का वास होता है, उसी दिन उसी प्रकार आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवला दान करने की महिमा है, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बढ़िया भोजन प्रसादी बना करके वहाँ पाने की, भोजन करने की, भोजन कराने की बड़ी महिमा है। हमें बचपन में याद है, हम लोग, हमारी माँ और हम लोग जाया करते थे खेतों में, जहाँ आंवले का पेड़ होता था वहीं बढ़िया बनता था प्रसाद, वहीं भोग लगता था, वहीं खाते थे। आंवला भी खाया करो, ये औषधि है। तो अक्षय नवमी कहते हैं, अक्षय नवमी के दिन किया गया कोई भी पुण्य अक्षय फलदायी होता, उसका कभी क्षय नहीं होता। तो आंवले का पेड़ घर में लगाइएगा और आंवले की पूजा करिएगा। देखो हमारे जो त्योहार हैं कितने वैज्ञानिक हैं कि हम लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा, ये प्रकृति की पूजा है। फिर आएगी एकादशी। कौन सी एकादशी, हाँ देव उठनी एकादशी, इसे बड़ी एकादशी भी कहते हैं, बड़ी ग्यारस, देव उठनी एकादशी। इस एकादशी के दिन ही भगवान श्रीमन्नारायण का, भगवान शालिग्राम जी का तुलसी जी के साथ विवाह होता है, तो आप लोग भी विवाह करिएगा, यहाँ होगा, आप लोग सब दर्शन करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। मतलब ये जो कार्तिक का महीना है, सारे इस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी महीने हैं, सब महीने एक से बढ़कर एक हैं, पर कार्तिक माह में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। इसी माह पर दीपावली होती है, इसी माह पर देव उठनी एकादशी होती है, इसी माह में धनतेरस होती है, इसी माह में गोपाष्टमी होती है, इसी माह में अन्नकूट होता है, इसी माह में भाई दूज होती है। तो एक माह में इतने सारे पर्व, इतने सारे त्योहार, यदि ये सवाल कोई आपसे पूछे कि हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में वो कौन सा महीना है जिस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कार्तिक का माह है वो,
जिसमें सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं और सभी त्योहारों की अपनी अपनी विशेषता है, सबकी पुरानी पौराणिक मान्यता है। तो कार्तिक का माह वैसे ही पवित्र है। ये व्रत का इस माह में कहते हैं तीर्थों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। आप लोग वृंदावन में हो तो यमुना जी ही स्नान करने जाया करो। क्यों? कहते हैं कि इस माह में ही एक राक्षस ने वेदों को जल में छिपाया था। कहते हैं कि कार्तिक माह में वेदों का वास जल में होता है। कहां होता है वेदों का वास? कहां होता है? तीर्थों में, नदियों में। जितने हमारे तीर्थ, नदियां हैं, जलाशय हैं, उनमें वेदों का वास होता है। इस महीने में वेद जल में शयन करते हैं, जल में वास करते हैं। तो वेद जब वास करते हैं तो कहते हैं कि जब आप जल में, तीर्थों में स्नान करते हैं तो आपको वेद माता की कृपा प्राप्त होती है और वेद कृपा करते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका यश बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है, आपकी बुद्धि कारगर होती है, मीन्स अच्छी होती है, पवित्र होती है। इस माह में दीप दान करने की भी महिमा है, सब प्रकार से स्नान दान की महिमा बताई जाती है।